हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघिब। तो देखिए ललक, आपको इस तरह से रखना है कि ज़िंदगी में हर कुछ हासिल हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको डिटरमिन होना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरह से जैसे आपको आप महसूस करते होंगे जब आपको भूख लगती है तो क्या होता है, किस चीज़ की भूख, बहुत तरह का भूख होता है। अगर मान लो कि आपको खाना खाना है, बॉडी को नीड है, भूख लगी, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं ना जी, बहुत लोग को बोलते हुए सुनते होंगे कि चूहा कूद रहा है पेट में। एक्चुअली चूहा नहीं है वहाँ पे, बहुत लोग ये सुनते होंगे बोलते हुए कि चूहा नहीं, हाथी कूद रहा है। तो बेसिकली आप चीज़ों को समझिए और अपने माइंड को ना शार्पनेस की तरह शार्प कीजिए, और एक एक ऐसा गुलेल की तरह अपने लाइफ को पीछे खींचिए, रिवाइंड कीजिए, सारे पिक्चराइज कीजिए मोमेंट को। आफ्टर दिन फुल ऑन पावर के साथ क्या हो सकता है, आप अपने आप को डेडिकेशन ला सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। सारे आप अपना एनालाइज कीजिए ना, अपने पास्ट को एनालाइज कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक अगर आप सही डायरेक्शन में हैं देन वेल एंड गुड, आपको उतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फील हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो आप एक्शन लीजिएगा ना। तो ये सारा एक तौर तरीका होता है थोड़ा बहुत खुद को मोटिवेट करने का, डिसिप्लिन मिलाने का। चलिए मैं बात करता हूँ आज कि साइंस को कवर करना है, अगर PPSC 69 के लिए, सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए, अगर आपको साइंस को फॉलो करना है तो कौन कौन से सोर्स से फॉलो किया जाए। तो देखिए, एक तो आपका घटना चक्र का साइंस हो गया, ठीक है, घटना चक्र का साइंस है। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर इसका पूरा कर लीजिए, ताकि ये क्या है, जितने भी आपका स्टेट PCS में हो गया या UPSC का है, वो सारे इसमें सवाल आपको क्या किए हैं, कवर किए गए हैं। इसमें मैं आपको ये वाला मैं पूरा कवर कर दिया हूँ, फिजिक्स जो है, ठीक है, सिर्फ 13, 14, 15 नंबर नहीं पढ़ाया हूँ, जो कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेयर यहाँ से क्वेश्चन उठता है, क्योंकि वो जो वहाँ उस वक्त चल रहा होता है उस हिसाब से है। जबकि आपको जानते होंगे स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी से भी एक आध नंबर का ज़रूर आता है। तो ये पूरा मैं 3 घंटा में कवर कर दिया हूँ, ऑलमोस्ट 250 पेज। तो ये अगर आप खुद से कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं तो आप मैं वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वॉच करना है तो वॉच कर सकते हैं। तो ये पूरा मतलब कवर कर दिया हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, सवाल भी है, सारा 2.5 घंटा, 3 घंटा, ऑलमोस्ट 3 घंटा का हुआ, 3 घंटा में कवर कर दिया हूँ। ये आपको फॉलो करना है, या फिर आपको जनरल नॉलेज लूसेंट का पढ़ना है, यह भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज लूसेंट का भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये देखिए फिजिक्स का है ये पूरा, इसमें आपका फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायो आ जाएगा। तो ये रहा आपका बायो, ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आपका केमिस्ट्री का है। तो बेसिकली आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, इसी का भी नया वर्जन ये है जनरल नॉलेज का, अभी लेटेस्ट वाला यही चल रहा, तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं इसका तो अभी थोड़ा बहुत देखूँगा, मैक्सिमम सेम ही है फिजिक्स। आप अगर न्यू वाला लेटेस्ट वाला भी परचेज करोगे ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, रत्ती भर का डिफरेंस नहीं है, समझे। तो इसलिए देखिए मेरा क्रॉस मारा हुआ, ये सब सेम है। इसमें बायोलॉजी में कुछ टॉपिक अलग होगा, नहीं तो वो भी सब सेम है। मैं आई थिंक जहाँ तक मैं मिलाया हूँ सब सेम है, इसमें कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है। किस परस्पेक्टिव से, तो साइंस के परस्पेक्टिव से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेम है, जो इसका पुराना वाला वर्जन है लूसेंट का, वही सेम नया वाला वर्जन में। या फिर आप क्रॉन लेना है, ठीक है, क्रॉन भी है, देखिए ये तो इतना बार मैं पढ़ता हूँ ये फट चुका है। तो इसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप कर सकते हैं, जहाँ तक आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये तो कंप्यूटर का हो गया, मिसलेनियस हो गया, ये देखिए बायो, ये पूरा बायो है इसमें। आफ्टर देन आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, उसके बाद आफ्टर देन आपका ये फिजिक्स आ जाएगा, समझे। आप ये या तो ये सोर्स फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊँगा कि क्या फॉलो करना चाहिए, या फिर आप ये प्रीवियस ईयर, सबसे मेन आपका क्या होना चाहिए औजार, प्रीवियस ईयर एनालाइज कीजिए क्या है कैसे है। इसमें आपको साइंस पे लाता हूँ, देखिए ये साइंस है, ये मेन औजार होना चाहिए आपका। तो जो BPSC का सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा 30 सवाल जो होते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंस देना आपको ज़रूरी भी है, ठीक है। आप देखिए मेरे मेरे हिसाब से अगर जाओगे तो आप ये प्रीवियस ईयर का कर लो, और PCS का आफ्टर देन आप इसको भी कर लो, उसके बाद आप क्रॉन या लूसेंट में से किसी एक को फॉलो कर लो। और अगर इसको लेफ्ट करना चाहते हो लूसेंट और क्रॉन को, तो सिर्फ ये प्रीवियस ईयर का ये कर लो, ये कर लो। आफ्टर देन क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर का ये
और ये आपका ठीक। उसके बाद आफ्टर देन आपको एनसीईआरटी का जो साइंस है वो पढ़ना जरूरी है, उसको एक बार रीड कर लूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं एनसीईआरटी का समराइज करके शायद लिखा होगा कहीं, 4 5 6 7 पेज में ही सारा लिख दिया हूँ, तो उसको मैं एक बार आपको रीड कर सकता हूँ। बहुत छोटा छोटा मैं लिखा हूँ, एक बार बोलोगे तो मैं रीड कर दूंगा उसको। तो इतना कर लो, इनफ है यार, आपका 25 से 25 नंबर कहीं नहीं जा रहा, एकदम श्योर आएगा। पूरा करना है पूरा कर लो, तो 28 29 नंबर एकदम आना ही आना है। एक आध नंबर 2 नंबर इधर उधर होगा, नहीं तो 28 नंबर एकदम आएगा, 28+28+ रहेगा। आप कुरान और लूसेंट में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सा सवाल जो होता है ना, अभी मैं जहाँ तक एनालाइज कर पाया हूँ, जो भी सवाल पूछ रहे हैं ना आपका बीपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स पे पूछा जा रहा है, वो जनरली आपको ना उठा रहा है कहाँ से पता है, आपको एनसीईआरटी से। तो मैं तो एक बार आपको बोलूँगा कि एनसीईआरटी को एक बार रीड आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था जहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि क्या सोर्सेज फॉलो करना है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, सिविल सर्विस अभी जो 69th आने वाला है उसके लिए। आपको ये सारे में से कोई भी आप सोर्स फॉलो कर लो, ये 3 4 सोर्स फॉलो कर लो, डैम श्योर आपका 28+ नंबर आने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।